गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जेट केमिस्ट्री भाई केवी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जेट 2020 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखिए किस प्रकार के क्वेश्चंस इस बार जेट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर कोई हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी क्लासेस लगेगी वो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस। और हाँ, एक बात और, ये क्वेश्चंस जो हैं इंग्लिश के अंदर हैं। अगर किसी को हिंदी के अंदर क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कर दें। और कुछ कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर भी अवेलेबल नहीं है, तो अगर आंसर भी चाहिए तो वो भी हम आपको सॉल्व करा देंगे। बट आपको उसके लिए कमेंट बॉक्स में एक बार बताना पड़ेगा कि आपसे सॉल्व हुए या नहीं हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास ये जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि आपको इसमें पूछा गया है कि आपको जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रही है, फाइव स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके दी है, इन फाइव स्ट्रक्चर को आपको यहाँ पे बताना है कि इनका नाम क्या होगा। यानी यहाँ पे आपको ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन है जो नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको इन फाइव क्वेश्चंस के नेम बताने हैं। तो देखिए, मैंने हर एक जो क्वेश्चन है उसके आगे आंसर लिख रखा है। तो आपके पास दो मिनट का टाइम है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट सिस्टमेटिकली वाज मेड बाय। तो इसका जो आंसर है वो होगा मेंडलीव। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एका बोरोन इज़ रिलेटेड टू द। तो इसका आंसर होगा स्कैंडियम। देखिए, अब ये एका बोरोन, एका सिलिकॉन, ये सब जो है मैंने पीरियोडिक टेबल के लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिए हैं। अगर कोई चैनल पे नया है तो प्लेलिस्ट में जाके पीरियोडिक टेबल के लेक्चर को देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और पूरी पीरियोडिक टेबल आपको प्लेलिस्ट से समझ में आ जाएगी। फिर देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एका सिलिकॉन इज़ रिलेटेड टू द। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा जर्मेनियम। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे इन तीन क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सोल्व कर लिया। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट सिस्टमेटिकली वॉज मेड बाई, ये जो है इसका आंसर मेंडलीव क्यों हुआ। देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सिस्टमेटिकली अरेंज। देखिए, सिस्टमेटिकली अरेंज का मीनिंग ही क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स में एलिमेंट्स को अरेंज करना ही क्या है, सिस्टमेटिकली मैनर है। तो रोज और कॉलम्स के अंदर जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करा वो मेंडलीव ने ही करा था, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मेंडलीव हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है AIPMT में आए हुए।
यानी जो AIPMT के एग्ज़ाम में जो इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने इन क्वेश्चंस को आपके लिए अलग से रखा हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो 2 मिनट का टाइम है, इन क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, अगर किसी ने एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमारे पास है केमिकल काइनेटिक्स के, यानी इस टाइप के क्वेश्चन ही इस बार आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आपके पास 2 मिनट है, आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करिएगा, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास पेरियोडिक टेबल से रिलेटेड ही है, जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डोबेराइनर स्ट्राइड से रिलेटेड है, जिसमें आपको बताना है कि जो वाई एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट क्या होगा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन है कि कौन सा डोबेराइनर ट्राइड नहीं है, और फिर थर्ड क्वेश्चन है कि कौन यहाँ पे न्यूलैंड ऑक्टेव रूल फॉलो नहीं करता है। तो इनके जो आंसर है वो आपको दिया हुआ है, फर्स्ट का डी है, सेकंड का बी है एंड थर्ड का डी है, बट यहाँ पे आपको इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने आपको 2 मिनट का टाइम दिया हुआ है, जल्दी से इन्हें सॉल्व कर दीजिए। Thank you.
इस प्रकार हम आपके लिए चार टॉपिक्स के क्वेश्चन लेके आए हैं जो जेड 2020 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो और भी आगे हम आपके लिए अदर टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।